हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड आई नो भाई इस वाले चैनल पे मैं बहुत ही ज़्यादा कम अपलोड करता हूँ। आई थिंक मैंने दो ही वीडियो चैनल पे अभी तक डाली है, बट थैंकफुली अभी मैंने सोचा है कि क्यों ना इस चैनल पे भी मैं ज़्यादातर वीडियो डालूँ एंड आपको मेरी लाइफ में जो जो होता है, लाइक जो जो चीज़ें मैं करता हूँ अलग, वो मैं सारी चीज़ें तुम्हें दिखाऊँ। फिलहाल मैं आपको आज की वीडियो में सेटअप टूर देने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक अपने सेटअप पे इन्वेस्ट की है, जितनी भी चीज़ें मैंने लगाई हैं अपने सेटअप पे, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। क्योंकि अगर तुमने मेरा पहले वाला सेटअप टूर देखा होगा ना, लाइक शायद वो भी आज से एक साल पहले का सेटअप टूर था, तो वो अगर तुमने देखा होगा ना, तो भाई तुम्हें ये सेटअप बहुत ही ज़्यादा चेंज लगने वाला है। उस सेटअप पे मतलब लिटरली कुछ भी नहीं था, बस मेरा आईपैड था, मेरा हेडफोन था जिसपे मैं गेम खेलता था, दैट्स इट। बट या अभी कुछ चीज़ें मेरे पास आ चुकी है, तो वो जितनी भी चीज़ें मैंने इन्वेस्ट किया ना अपने सेटअप पे, वो सारी चीज़ें मैं तुम दिखाने वाला हूँ। एंड एट दी एंड तुम मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा सेटअप। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके यार गाइस, सो रूम के अंदर घुसते ही तुम्हें कुछ ऐसा व्यू मिलने वाला है जैसा कि तुम देख ही पा रहे होगे आई गेस। तो सबसे पहले अगर इस चीज़ की हम बात करें तो ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भाई मैं रखता हूँ अपनी नॉर्मल चीज़ें, सिल्वर प्ले बटन, मेरे कैमरे का लेंस, एक रिमोट जो कि मैं अपनी LEDs को कंट्रोल करने में यूज़ करता हूँ, एंड छोटी मोटी चीज़ें मतलब जो भी वेस्ट पड़ा होता है ना मेरे पास, जिसको मैं अपने डेस्क पे नहीं रख सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस वाली यहाँ पे रख देता हूँ। मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट या एंड देन आ जाता है हमारा एक नॉर्मल सा TV। तो इसके पीछे भी मैंने कुछ कर रखा है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार जस्ट। तो ये आ गया इसका रिमोट एंड अच्छा बटन गलत दबाया, शिट। तो आई डोंट नो तुम देख पा रहे हो कि कैमरा पे या फिर नहीं, बट आई ट्राई कि मैं थोड़े से सिनेमैटिक्स भी डाल दूँ जिससे कि तुम्हें अच्छा खासा आइडिया मिल जाए कि वो चीज़ एक्चुअली में दिख कैसे रही है। तो यहाँ पे इसके पीछे मैंने LEDs लगा रखी हैं जिससे कि भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस मिलता है जब भी हम कोई मूवी वगैरह इस पर देख रहे होते हैं। बाकी फिर आ जाता है मेरा मिरर। तो मिरर में तुम देख सकते हो दिस इज़ हाउ आई लुक। तो यहाँ मिरर आ जाता है, मिरर के अंदर भी मैंने LEDs लगा रखी हैं इफ़ यू कैन सी। तो अगेन मैं सिनेमैटिक्स डालने का ट्राई करूँगा पूरा। बट यहाँ यही वो जगह है जहाँ पे मैं भाई रोज़ रेडी होता हूँ एंड सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ यहाँ पे अपने बारे में। ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कर्टन, एक विंडो है यहाँ पे जो मैं बंद ही करके रखता हूँ, एंड उसमें से भाई बंद होने के बाद भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। वो तो मैं अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। बट या अभी थोड़ा सा रूम तुम्हें खाली दिख रहा होगा एंड मैं जानता हूँ ये बात, बट बहुत जल्दी ऐसा नहीं होने वाला है। लाइक ये चीज़ें मैं ऑर्डर कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ी बहुत स्टोरेज आएगी मेरे लिए एंड बहुत ज़्यादा रूम जो है एम्प्टी नहीं लगेगा फिर। एंड देन हम आ जाते हैं हमारी डेस्क के ऊपर। तो डेस्क का अगर पूरा ओवरऑल लुक दूँ ना तुम्हें, तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से, तो बहुत ही ज़्यादा सही दिखता है। एंड बाकी अभी मैं तुम्हें धीरे धीरे करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने अपग्रेड की हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली जो है बाई की। तो चेयर तो भाई तुम लोग देख चुके होंगे ना, चेयर मैं दिखा चुका हूँ अपने पहले वाली वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चेयर है। तो फिलहाल के लिए इसको साइड में रख देते हैं ताकि ये बार बार अपने जो है बीच में ना आए। तो अभी मैं थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन POV पे स्विच कर लेता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखा पाऊँ मैं सारी चीज़ें। सो या गाइस दिस इज़ माय डेस्क, और यहाँ पे अभी तुम्हें दिख रही होगी बहुत सारी चीज़ें मैंने रख रखी है। तो शुरुआत करता हूँ इस वाले एरिया से, क्योंकि ये वाला ऐसा एरिया है ना जहाँ पे मैं बस सामान रख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी आ जाती है वाटर बॉटल जिसमें से मैं सारा दिन पानी पीते रहता हूँ। देन आ जाता है हमारा कीबोर्ड क्लीनर जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा सही है, इससे सारा कीबोर्ड साफ़ हो जाता है। एंड इसके अंदर ये दो तीन टूल जो आ रहे हैं, आई डोंट नो तुम देख पा रहे हो यार नहीं, तो भाई जैसा कि तुम देख सकते हो इसके अंदर छोटी मोटी ब्रशेस लगी हुई हैं जिसकी मदद से तुम अपने एयरपोर्ट्स जो होते हैं लाइक ये जो होते हैं ना भाई, इनको भी तुम साफ़ कर सकते हो। तो इजीली भाई इसकी मदद से मैं ये साफ़ कर पाता हूँ एंड ज़्यादा महंगा नहीं है, मैंने शायद 200-250 रुपये का अमेजोन से ही ख़रीदा था, तो बहुत ज़्यादा सही चीज़ हो जाती है। एंड देन आ जाता है हमारे पास AC का रिमोट, ये मेरे कैमरा का फिल्टर है, पॉप फिल्टर कुछ बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, डेट केयर शायद। एंड मेरा चार्जर, इसमें मैं रखता हूँ अपनी फिंगर स्लीव्स, क्योंकि नॉट अ PC गेमर, मैं मोबाइल गेम्स ही खेलता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड बाकी इसके अंदर मैं जो है अपना यहाँ पे नॉर्मल सा सामान रख लेता हूँ जो कि मेरे काम नहीं हो रहा था, वायर वगैरह, तो इधर डेस्क पे फैलाने से अच्छा है मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया है, तो सारी चीज़ें मैनेज रहती हैं। बाकी नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरा कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, रेड गियर का कंट्रोलर है, और काफ़ी ज़्यादा सही है, वायरलेस है, उसका वायरलेस रिसीवर भी मैं अपने कंप्यूटर में लगा के रखता हूँ जिससे कि सारा काम हो जाता है। बाकी ये बाइक की थी मेरी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ मुझे लगती है, इसका कलर भी तुम चेंज कर सकते हो एक बार, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ
तो RGB है फुल, ये सारे कलर्स इसमें तुम लगा सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी मुझे लगता है। एंड देन हमारा प्लांट यहाँ पे आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा सही टच इसे मिल जाता है इससे। बाकी जहाँ पे अब तुम देख सकते हो ऐसा कुछ सीन रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं आईपैड को साइड में कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हें ये चीज़ दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो मेरा हेडफोन स्टैंड, हाँ मैं भूल गया था मॉनिटर स्टैंड बोलने वाला था मैं, बट या इट्स माय हेडफोन स्टैंड। और भाई बहुत ही ज़्यादा सही है, इसके अंदर तुम्हें USB भी मिल जाती है जैसा कि तुम देख सकते हो, और बहुत सही काम करता है। लाइक इसके RGB में कंट्रोल भी कर सकता हूँ यहाँ से, तो देखो मोड्स भी इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ लगती है। प्लस इसकी ये जो USB केबल्स है ना, ये मेरे लैपटॉप में लग रही है सीधे जाके, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे कोई पेन ड्राइव वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ स्विच कर सकता हूँ जो मेरे सीधे कंप्यूटर से जो है कनेक्ट हो जाएगी। ये हो जाता है हमारा हेडफोन स्टैंड। देन आता है हमारा लैपटॉप। तो भाई लैपटॉप मेरा है Acer Nitro 5, जैसा कि तुम देख सकते हो, एंड बहुत ही ज़्यादा सही लैपटॉप है, सारी चीज़ें मुझे ये करवा देता है। बट एक PC की कमी है ना भाई, एक CPU की कमी, वो हमेशा रहती है मुझे, क्योंकि मैं इससे मल्टीपल मॉनिटर्स कनेक्ट नहीं कर सकता। सिंगल मॉनिटर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ HDMI के थ्रू, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, हीट ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अपन जल्दी शायद अपग्रेड कर लेंगे उसको एक CPU में, लेकिन ये भी रहने वाला है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लैपटॉप था जो मैंने अपने पैसों से खरीदा था। बाकी यह बहुत ज़्यादा अच्छा है, RGB वगैरह है। इसकी स्पेक्स में तो मैं बता देता हूँ, Ryzen 5600X या फिर X इसमें, एंड 16GB की रैम है, SSD है 250GB, 1TB HDD है, एंड 3060 में 6GB RTX। तो काफ़ी ज़्यादा सही है, पूरा काम मेरा इजीली करवा देता है, स्ट्रीम वगैरह मैं इजीली कर लेता हूँ इससे। एंड देन अगर आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर से मैं iPad को हटा देता हूँ यहाँ से, ये मेरी कॉफ़ी है जो मुझे अभी ख़त्म करनी है। बट या फिर आ जाते हैं हम हमारे लैम्प की तरफ, जो कि है MI स्मार्ट लैम्प। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या क्या कर सकता है। तो भाई इसमें तुम ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो इसका, जैसा कि मैं तुम्हें दिखा ही पा रहा हूँ। एंड टच सेंसिटिव है, ऐसा कोई बटन की तरह काम नहीं करता, टच वाला है एकदम। एंड इसको मैं एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो देखो बस तुम, एलेक्सा चेंज द लैम्प कलर टू रेड। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है, सारे जो कलर्स है ना भाई इसमें एकदम ब्यूटीफुल दिखते हैं। आई डोंट नो कैमरा पे इतना ज़्यादा अच्छे से दिख पा रहा होगा या नहीं, बट बहुत ज़्यादा सही लगता है ये रियल लाइफ में। बट फिर आ जाता है हमारा आगे एक प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा टच दे देता है। एक और मैंने यहाँ पे रख रखा है बीच में हमारी एलेक्सा, जिसको मैं एज ए स्पीकर भी यूज़ करता हूँ, इसमें कोई एक्सटर्नल स्पीकर मैंने नहीं लगा रखे सेटअप में, सारी जो आवाज़ है वो इसी से आती है। एंड देन इधर आ जाती है हमारा माइक, तो माइक मैंने कुछ ऐसे तरीके से माउंट कर रखा है जैसे कि तुम देख ही सकते हो, मोआनो का माइक है, आई डोंट नो एग्जैक्ट कौन सा सीरियल नंबर था इसका, बट या ये मोआनो का माइक हमारा हो जाता है। और इसका जो पॉप फिल्टर है ना, ये यहाँ पे लगता है वैसे तो, बट इसको मैंने हटा के यहाँ पे लगा रखा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं भाई मॉनिटर स्टैंड के बारे में। अब ये जो स्टैंड है ना भाई, ये डुअल मॉनिटर वाला है, लाइक यहाँ पे एक और मॉनिटर मैं ऐसे लगाने वाला हूँ जल्दी, इसीलिए मैंने सिंगल आर्म की जगह डुअल मॉनिटर आर्म ले लिया था ताकि मुझे वापस से पैसे खर्च ना करना पड़े। तो अगेन हमारा वेबकैम यहाँ पे आ जाता है, जिसको मैंने ये स्टिक वगैरह कुछ बोलते इसको, इसके थ्रू मैंने इसको माउंट कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा सही होता है, फ्लेक्सिबल भी है काफ़ी ज़्यादा, एंड इजीली मेरा काम हो जाता है। बाकी अगर मॉनिटर्स की वायर देखोगे ना तुम, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से माउंट कर रखी है, इसके अंदर से चला जाता है एंड देन नीचे से जो है ये पूरी चीज़ें चली जाती है। तो यहाँ पे सेटअप अगर तुम ऐसा देखोगे ना, तो एकदम क्लीन लुक मिलता है। तो ये चीज़ मुझे अचीव करनी थी भाई, केबल मैनेजमेंट है ना सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बाकी अगर कीबोर्ड की बात करें, तो ये भी हमारा कॉस्मिक बाइक का रहने वाला है, फ्लाई करके कुछ नाम है इसका, RGB फुल जैसा कि तुम देख पा रहे हो, एंड मैकेनिकल है ये, आवाज़ सुनो तुम, तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। माउस की अगर बात करें तो ये भी कॉस्मिक बाइट्स है, एंड ये मुझे लैपटॉप के साथ में फ्री मिला था, अभी तक मैंने अपग्रेड नहीं किया जैसा कि तुम बता ही सकते हो इसको देख के, तो बहुत ज़्यादा घिस दिया है मैंने इसको फिलहाल। बट या जहाँ पे आ जाता है हमारा माउस पैड, तो माउस पैड है तुम ब्रांड देख सकते हो, तो जस्ट मुझे RGB वाला चाहिए था, और ये थोड़ा सा पैटर्न मुझे इसका अच्छा लगा स्पेस वाला, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। एंड इसकी भी RGB तुम कंट्रोल कर सकते हो बटन के थ्रू, तो ये बहुत सही चीज़ हो जाती है। बाकी या ये है अपना कुछ सेटअप, एंड बाकी अभी केबल मैनेजमेंट में तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भाई तुम देखो मैंने क्या कर रखा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई केबल मैनेजमेंट में, एंड मुझसे जितना हो पाया ना उतना मैंने कर दिया। बाकी ये भाई थोड़ा सा हट जाता है अपने आप, ओके। तो अभी तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा केबल्स है नीचे,
एंड एक दो केबल भाई निकलती ही रहेंगी, वो तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे हेडफोन की केबल, इसको मैं अब परमानेंटली कभी स्विच नहीं कर सकता हूँ कहीं पे भी, तो ये हमेशा निकलती रहेगी बाहर। तो गाइस यार, सेटअप टूर तुम्हें कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें मैंने अपग्रेड की है वो तुम्हें अभी तक पता चल गई होंगी। और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की लिंक वगैरह चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी, तो तुम वहाँ से बाय भी कर सकते हो। एंड तुम्हें ऐसा ही चेकआउट करना हो तो वो भी तुम कर सकते हो। 300 के हमारे मेन चैनल पे होने वाले, इस चैनल को भी मैं बहुत जल्दी एक्टिव करने वाला हूँ। एंड मेरे एक दो चैनल्स और हैं, उनको भी मैं बहुत जल्दी एक्टिव करने वाला हूँ। लाइव स्ट्रीम्स हम डेली करने वाले हैं उससे। वैसे इफ़ यू डोंट नो, मैं लोगों पे डेली लाइव करता हूँ, तो तुम मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। तो वहाँ पे हम BGMI रैंक कुछ वगैरह स्क्रीम्स खेलते हैं, हम लॉबी बहुत खतरनाक आती है, तो वहाँ पे भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज तुम अगर चाहते हो मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम करूँ, तो यूट्यूब पे भी हमारा एक चैनल आने वाला है म्यूटू इज लाइव करके, तो तुम वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर सेटअप टूर पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।